स्टॉकहोम स्वीडन की सबसे खूबसूरत टूरिस्टी शहरों में से एक है और समर में तो उसकी खूबसूरती का लेवल कुछ और ही होता है। इसी खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने बस ली और सिटी सेंटर में पहुंच गया। सेंट्रल स्टेशन के बिल्कुल पास ही कुंग्स्टा गार्डन है, जिसे किंग्स गार्डन भी कहते हैं। और मई के एंड और अप्रैल के स्टार्ट में यहाँ बेहद खूबसूरत फूल खिलते हैं और इसी वजह से मई के एंड में यहाँ पे जैपनीज फेस्टिवल चेरी ब्लॉसम भी मनाया जाता है। ये फूल देखने में जितने प्यारे नजर आते हैं, इनकी खुशबू भी बिल्कुल वैसी ही है। ये फूल शुरू में तो लाइट पिंक होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फूल व्हाइट हो जाते हैं। मैं दरख्तों के बीच में से जब गुजरा तो इनकी खुशबू ने मेरे दिल को मोह लिया। मैं काफी देर इनको देखता रहा और काफी देर इनके बीच में चलता रहा। फिर मेरी नजर बड़े से चेस बोर्ड के ऊपर पड़ी, जहाँ पे दो लोग आपस में चेस खेल रहे थे। ये देखने के बाद मैं आगे चल पड़ा, जहाँ पे मेरी नजर पानी में चलने वाली बस पे पड़ी और इसको आप इस लिंक से बुक कर सकते हैं। उसके बाद मुझे ओपरा हाउस नजर आया, जहाँ पे मेंटेनेंस का काम जारी था। ये ओपरा हाउस नॉर्थस्ट्रॉम रिवर के ऊपर वाकई है। नॉर्थस्ट्रॉम रिवर यूरोप में सबसे शॉर्टेस्ट रिवर के अंदर आता है और ये रिवर स्वीडिश पार्लियामेंट के बिल्कुल साथ से गुजरता है। और इस पुल से गुजरता हुआ इतना तेज पानी मुझे दरिया चिनाब की याद दिला रहा था। थोड़ी देर इस पानी को देखने के बाद मैं आगे चल दिया, जहाँ पे मेरी नजर दिलों को लगे हुए तालों पे पड़ी और मैं इस खूबसूरत पुल से होता हुआ सीधा पार्लियामेंट हाउस के बीचों बीच में। और ये पार्लियामेंट हाउस गामलास्तान और सिटी के बीचों बीच में है और स्वीडिश गवर्नमेंट ने इस बिल्डिंग को बड़े अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है। इसके बीच में से गुजरने के बाद मैंने नॉर्थस्ट्रॉम रिवर का दूसरा हिस्सा भी देखा, जो पार्लियामेंट हाउस के दूसरी साइड से गुजर रहा था। इसके बाद मैं स्टॉकहोम ओल्ड टाउन यानी कि गामलास्तान के अंदर पहुंच चुका, जहाँ पे रंग बिरंगी बिल्डिंग्स ने मेरा इस्तेमाल किया। हर साल यहाँ पे हजारों टूरिस्ट आते हैं। अगर आप भी स्वीडन आ चुके हैं या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप इस जगह को जरूर विजिट करें, क्योंकि इस जगह की वाइब कुछ अलग ही है। यहाँ पे मेरी नजर स्टॉकहोम एम्बेसी पे पड़ी, मेरा दिल किया इसको उठा के पाकिस्तान ले जाऊं। चलते चलते मेरी नजर एक चाचू पे पड़ी जो आसमान की तरफ देखे जा रहा था। मुझे लगा कि शायद ये कबूतरबाज है और अपने कबूतरों का वेट कर रहा है। खैर मुझे क्या, मैं आगे चल दिया। गामलास्तान के अंदर तीन चार बड़े बड़े चर्चेस भी मौजूद हैं, जो कि गामलास्तान की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। गामलास्तान अपनी तंग तंग गलियों की वजह से मशहूर है। इन तंग तंग गलियों को देखने के बाद मुझे लाहौर की वो निकाह की गुंजाइश वाली गली याद आने लगी। इन्हीं तंग गलियों के अंदर मेरी नजर यरूशलम कबाब पे पड़ी, जहाँ पे आपको हलाल फूड मिल जाएगा। काफी देर यहाँ पे घूमने के बाद मुझे प्यास लग चुकी थी और मेरी नजर एक नलके पे पड़ी। मैंने इस नलके से अपने आप को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। और फिर मैंने समंदर किनारे खड़े होकर मेट्रो की इस रेस को देखा और जीतने वाली ट्रेन पे बैठ के मैंने अपने घर का रुख किया।